बात कह जाए कि यहाँ पे रात को कोई नहीं आता, यहाँ से आज तक भी यहाँ पे रोने चिल्लाने की आवाज़। तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आपका भानगढ़ पार्ट थर्ड में। वो शुरू करते हैं जल्दी से, भानगढ़ दिखाते हैं आज को, हम भानगढ़ दिखाएंगे, तो शुरू करते हैं जल्दी से और मिलते हैं आप। तो गाइज ये है महल जिसमें हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पे एंटर कर चुके हैं अपन और ऊपर चलते हैं। बिल्कुल हाइट पे महल बना हुआ है क्योंकि तो ये पूरा महल पूरे पहाड़ पे सिचुएटेड होता है, क्योंकि पहले के टाइम पे हुआ ऐसा करता था कि जब लड़ाई हो तो हमको आगे से प्रोटेक्ट करना पड़े, पीछे से प्रोटेक्शन मिल जाए, क्योंकि एक तरफ से ही पटक कर सकते हैं ना वो, इसलिए पीछे की साइड इसको हाइट रखते हैं, जैसे कोई पीछे से कोई आ ना सके, जिससे लड़ाई हो, जब आगे के सामने से लड़ाई हो, इसलिए आगे पूरा गैप रखा करते थे और पीछे की साइड से पहाड़ पे बनाया करते थे, आगे के सारे सेना रहती थी जिससे वो बचाती थी लड़ाई वड़ाई से। तो चलते हैं, अब अपने यहाँ पे हाइट पे चढ़ना है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम है यार क्योंकि ये बहुत हाइट पे हो गया पहाड़ों के बीच में, तब हम यहाँ पे चढ़ रहे हैं। बिल्कुल पहाड़ों के बीच में सिचुएटेड है महल और ये आज भी ऐसे पत्थरों का बना हुआ है पूरा और आज भी टिका हुआ है, कितना है जैसे कितने पुराना हो जाए और आज भी ये महल टिका हुआ है भाई अपनी जगह पे। यहाँ से बस बिल्कुल चढ़ाई जो है वो बिल्कुल सीधी है यार, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। यहाँ पे एक सुरंग भी है छोटी सी, अब यहाँ से रास्ता जाने का है। अब बहुत हाइट पे आ चुके हैं अपन यार, देखते देखते मैं नज़ारा दिखाता हूँ आपको एक बार। देखो गाइस यहाँ से पूरा महल दिख रहा है यहाँ से दूर दूर तक का, जो भी आसपास है पहाड़ी पहाड़ और महल, ये वही मंदिर जो मैंने आपको दिखाया था और ये वही रास्ता जिससे अपन अभी यहाँ से अपन आए हैं। ये पूरा पार्क आगे खुला हुआ जहाँ पे अभी हम थोड़ी देर पहले बैठे, जहाँ पे मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी। चलते हैं ऊपर और महल के अंदर। तो ये है महल की एंट्री, जहाँ से एंट्री होती है, जैसे मेन एंट्री है, गेट है पूरा स्टील का। यहाँ पे भी कुछ कुछ छोटे छोटे से बने, यहाँ पे बहुत गंदी बदबू आती है पीर की, यहाँ पे वही रहते हैं। देखो यहाँ से खुला हुआ है ऐसे पूरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है और वहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। यहाँ पे चमगादड़ बहुत रहते हैं, इस वजह से बहुत बदबू आती है इधर। और यह है किला भाई, चीज़ ही है किला, बहुत बड़ा सा किला है। यहाँ पे बहुत सारे गेट है इसके, कोई 10 से ज़्यादा गेट हैं इसके, उनको चलना यहाँ से है। जैसे अपन एंट्री लेते हैं भानगढ़ के लिए, किले के लिए, ऐसे किला तो वहाँ से स्टार्ट हो गया बट यहाँ से एंट्री लेते हैं इसके लिए। यहाँ भी एक गेट है, एंट्री तो वहाँ से है बट लेट्स ट्राई इधर क्या है अंधेरे से में। भाई ये तो कोई बहुत ही ऐसा, ये बिल्कुल डरावना सा, यहाँ पे बीट की उदवारी भाई बहुत गंदी। अब चलते हैं अपन वहाँ पे अपनी जगह पे। अपन ने गाइस एंट्री करी और यहाँ पे आता है इसका मेन गेट, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ ऊपर तक, वो बिल्कुल अंधेरा है। तो अपन यहाँ पे एंटर करते हैं, ये सेकंड गेट थर्ड गेट है, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट गेट था, फिर यहाँ पे पूरे बहुत सारे गेट ही गेट है इधर। और ये यहाँ तो आगे तक ऐसे पूरा बना हुआ है, फ्लैश ऑन कर दिया। तो यहाँ पर बदबू बहुत आती है क्योंकि यहाँ पे बस जानवर ही रहते हैं, चमगादड़ के अलावा कोई नहीं रहता। जैसे वो चमगादड़ चिपके हुए वहाँ पे, देखो यहाँ पे चमगादड़ चिपके रहते हैं पूरे के पूरे, बस यहाँ पे चमगादड़ रहते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत बदबू आती है। अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सामने के सामने ऐसा कैसा बना हुआ है पूरा, यहाँ पे गेट है इसके अलग अलग और यहाँ पे पूरा महल सिचुएटेड है। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ पूरा महल है, बहुत बड़ा महल है, इसको कवर करना ही बहुत हार्ड से। यहाँ पे तो यहाँ पे बदबू आती है बहुत ज़्यादा, देखो चमगादड़ चिपके हुए पड़े हैं यहाँ पे ऊपर, पूरे हर जगह चमगादड़ चमगादड़ चिपके हुए पड़े हैं, इनके चमगादड़ की वजह से स्मेल आती है यहाँ पे बहुत गंदी। और यहाँ पे एक और गेट है इसका भाई, इसमें अनगिनत गेट है मान लो, यहाँ पे पूरा वही हो रहा है चमगादड़ का, हर जगह चमगादड़ बेस्ट सिचुएटेड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता है नहीं, चमगादड़ ने अपना घर बना रखा है। यहाँ पे एक सीढ़ी है गुफिया सी और मैं इस पर जाऊँगा, रिस्क नहीं लूँगा, यहाँ पे भी चमगादड़ ही रहते, हर जगह चमगादड़ चमगादड़ रहे इधर। तो चलते हैं अपन तो अपने रास्ते पे ही वापस, जहाँ से अपन आए थे उसी को ज्वाइन करते हैं। तो गाइस यही वही रास्ता आ गया जहाँ से अपन ने छोड़ा था इसको, यहाँ पे वैसा का वैसा है जहाँ से अपन अभी देखे हैं, वही का वही है पूरा। और यहाँ से ऊपर चलते हैं,
तो यहाँ से जितना ऊपर चलते जाने अपन यहाँ पे महल का टॉप आता जा रहा है, जो कि जो महल के टॉप पे राजा बैठा करते थे पहले। हाँ बिल्कुल वहीं पे आ चुके हैं अपन, महल का टॉप आ चुका है। यहाँ पे आज भी महल टूटा हुआ पड़ा है पूरा, यहाँ पे पूरा खुला हुआ है आगे से। ये पूरा जो भी है पूरा हुआ करता था महल एक टाइम पे, बट जब से तहस नहस हुआ है जब से यहाँ से कुछ भी नहीं बचा। यहाँ से पहाड़ का अलग ही नज़ारा दिखता है यार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है, बहुत ज़्यादा। इससे ऊपर एक वो है जो इससे भी ज़्यादा हाइट पे है, बट वहाँ तक जा नहीं सकते। और ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है, यहाँ से अपना रास्ता है नीचे का जहाँ से अपन आए, ये पूरा रास्ता वही है। और ये पार्क जहाँ पे अपन अभी बैठे थे, ये पूरा रास्ता वही है जहाँ से अपन आए। यहाँ पे वो था मंदिर, पेड़ के पीछे छुप गया। तो अपन चलते हैं इससे भी ऊपर और आगे देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसको। अपन ने यहाँ पे एंटर कर लिया है और यहाँ पे वही सिलसिला है, यहाँ से पूरा टूटा हुआ है, लोग ऊपर तक चढ़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और यहाँ का पूरा महल है जो कि एक जब तांत्रिक ने इसको तहस नहस, जब लड़ाई हुई थी जब ये पूरा महल तहस नहस हो गया था, जब का आज तक भी ऐसे टूटा फूटा ही पड़ा है, क्योंकि उसके बाद में सरकार ने इसको बनाया नहीं, क्योंकि जो भी लड़ाई थी उसके अंदर सारे तो राजा थे रानी थी और जो सदस्य थे यहाँ के जो भी थे वो सब एक बार में ख़त्म हो गए थे। तो फिर जब से ऐसा ही पड़ा है, और यहाँ से पूरी हाइट में अपन यहाँ सब कुछ दिखता है, जूम करके सब कुछ ए टू जेड चीज़ें दिखती है यहाँ से दूर दूर तक का, और यहाँ से आगे तक मतलब कि बहुत हाइट पे है, ये तो सब कुछ आराम से दिखता है। तो ये है बिल्कुल महल जो कि अब टूट चुका है, भानगढ़ का महल जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखा। तो गाइस अब हमें भानगढ़ के जो टॉप किला है उसके टॉप पे यहाँ से सब कुछ पूरा नज़ारा दिखता है। और भानगढ़ की कुछ बातें हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मेरी वीडियो में भानगढ़ की बात कहा जाए कि यहाँ पे रात को कोई नहीं आता, यहाँ से आज तक भी यहाँ पे रोने चिल्लाने की आवाज़ आती है, घुमर की आवाज़ आती है। यहाँ से कहा जाता है कि यहाँ पे एक राजकुमार की राजा की बेटी रानी रत्नावती जो कि बहुत खूबसूरत थी, जो कि बहुत अच्छी थी, उसके पास बहुत सारे राजाओं के मतलब कि वो आते थे, फिर सब राजाओं को बहुत पसंद करती थी वो। पर रानी ने कभी भी अपने किसी भी राजा की अपनी जो उसकी शादी के सब वो आते थे रिश्ते आते थे उसको कभी भी हाँ नहीं बोला। पर जो एक तांत्रिक था वो तांत्रिक उसके पीछे पड़ गया, उसको रत्नावती बहुत अच्छी लग गई तो उसके पीछे पड़ गया, उसने ऐसा काला जादू उसके ऊपर किया कि वो उसको पसंद करने लग गई, वो पसंद करने लग गया वो उसको। और ऐसे उसने मतलब कि उसने मना कर दिया तांत्रिक को कि मैं तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तो उसने ऐसे एक श्राप दिया कि तुम एक दिन ऐसे ही मर जाओगी। तो जब एक बार इसकी लड़ाई हुई यहाँ पे तो पूरा महल जो कि तहस नहस हो गया, उसके अंदर रानी थी राजा थे सब उसके साथ सब कुछ मारे गए, और इसमें रानी रत्नावती तक भी मारी गई इस महल के अंदर। इसी वजह से आज तक भी इसके अंदर घुंघरू की आवाज़ आती है और यहाँ पे रोने की आवाज़ आती है, बहुत आवाज़ें आज भी आती है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा नहीं जाता मतलब कि असली बात यह कि यहाँ पे रात के टाइम में किसी को आने नहीं देना चाहते। आगे की तरफ बोर्ड भी लगा हुआ है कि यहाँ पे रात को किसी को आने नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रीजन है यहाँ के। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं कोई मस्त वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।